नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जावर आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जौहर एक्सप्रेस इंडिया में स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त दादरा नगर हवेली हूँ और यहां पर 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है। यहां पर कुछ बच्चे आए थे जो पहले के जो आदिवासी लोग जो रहते थे, जिस प्रकार से अपना खान पान करते थे, शिकार करते थे और जिस प्रकार से उनका जीवन यापन करते थे, उस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर कुछ नृत्य भी करके बताया है उस चीज़ के बारे में। और वह बच्चे स्कूल के थे, वहाँ के जो आचार्य है वह हमारे साथ में से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस तरह से तैयार करके लाए थे, तो क्या विषय था यहाँ पर लाने का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर सबको। आपका परिचय जी? मेरा नाम दशरथ जीपर महला है और मैं खुद एक प्राथमिक शिक्षक हूँ और हमारे गांव में हमारे समाज के लिए, मतलब आदिवासी समाज के लिए एक आश्रम स्कूल भी चलाते हैं। और जिस जो आश्रम स्कूल हमारा है वहाँ वसुंधरा विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि हमारे बच्चे भी, जो गांव के बच्चे हैं, जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं, वो भी पढ़े। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा, अभी जो रोजगार की शिक्षा जिसको कहा जाता है वो शिक्षा है, तो हमारे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाए और जो शहर के बच्चे हैं उनसे वो कॉम्पिटिशन में उतरे, इस उद्देश्य से हमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चालू किया। हमें पता चला है कि जो बच्चे हैं उनसे बहुत ही कम फीस ली जाती है पढ़ाने के लिए, ऐसा क्यों? जैसे प्राइवेट स्कूल जो रहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फीस लिया जाता है, जैसे गरीब परिवार के लोग उन बच्चे नहीं पढ़ा पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और आप लोगों ने यह चीज़ चालू करने की ऐसा क्यों? चलिए सर, जो मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक पवित्र क्षेत्र है, उसमें अगर हम व्यवहार की बात करेंगे, अगर पैसा फीस की बात करेंगे, तो वो शिक्षा का जो पवित्र क्षेत्र रहता है वो वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो मेरा, मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये मानना है कि शिक्षा अगर दी जाती है तो अपने मन से दी जानी चाहिए, और हम अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनसे नॉर्मली फीस देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अभी 9 टीचर है, अभी 9 टीचर का उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, तो उनको जो पेमेंट देना चाहिए उसके लिए हम नॉर्मली 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, ऐसे 3 कैटेगरी में हम फीस लेते हैं। कि और अपने जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स, उनको भी लगना चाहिए कि मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ हम कुछ फीस दे के पढ़ाते हैं, मतलब फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर जहाँ फ्री मिलता होगा वहाँ सब झूठ बोल के उधर वो भाग जाता है, इसलिए नॉमिनी फीस दे के हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोग इतना कम फीस देते हैं तो स्कूल को और जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको कैसे आप लोग करते हैं? सर एक्चुअली जो कम फीस में हमारा इतना कुछ होता है, लेकिन जो मेरा, जैसे मैं अभी मेरा जो परिवार है और मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं हमेशा अपील करता हूँ कि आप हमारे स्कूल में विजिट कीजिए। और अभी हमें जैसे कि फेसबुक से मैं जिसका बर्थडे है उसको मैं इनवाइट करता हूँ कि उसका है तो उसको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, कहा आपका बर्थडे 2 दिन पे है, तो अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको हमारे स्कूल में आपका वेलकम करते हैं, आप आइए बच्चे के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए। और हमारे बच्चे भी जो नेचुरल पौधे, फूल पौधे मिलते हैं उससे वो बुके बना के उनको देते हैं, एक जो गीत प्रस्तुत करते हैं और सभी वो जो आने वाले फेस से वो भी खुश होते हैं। और इसी तरह मैं भी सभी समाज के लोगों को जोड़ते जा रहा हूँ, और जो हमारा समाज है उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हमारे समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसी क्षेत्र में मैंने ये सोचा कि मैं अब एक शिक्षक हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इसी क्षेत्र में मैंने वो स्कूल चालू की कि शिक्षक होने के नाते मैं अपनी हमारे समाज के लिए मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तो कम से कम में ये मैनेज करने का हम कोशिश करते हैं। और जो हॉस्टल के बच्चे हैं, हमारे 85 बच्चे हॉस्टल हैं, और देखा जाए तो हमारा कोई बड़ा इमारत बिल्डिंग है नहीं, हमारे घर में हमारे 85 बच्चे हमारे घर में ही रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे माताजी, पिताजी और 85 बच्चे हमारे घर में ही रहते हैं। तो ये हमें खुशी होता है कि मैं हमारे समाज के बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये खुशी होती है, और खुशी के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। और देखा जाए तो प्रकृति की एक दया है कि हमेशा कोई ना कोई हमारे यहाँ आता रहता है जो हमें हमेशा मदद करता रहता है। और मेरे एक आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट है कि आप भी
हमारे स्कूल में अगर समय है तो आइए, या हमारे समाज के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं अगर हम कुछ न कुछ उनको मदद करें तो उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं इतना कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो उतना हम उससे सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो हम और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ में स्वास्थ्य प्रचार हैं और यह इनके ही घर पर स्कूल चलाते हैं और गरीब से गरीब बच्चों को यह शिक्षा देने का काम करते हैं, ताकि जितना भी गरीब व्यक्ति हो वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर या तो अच्छी नौकरी या अच्छे व्यवसाय में की तरफ बढ़े। और सर ने बताया कि हम लोग स्कूल संचालित करने में परेशानी आती है, और किसी न किसी जिसका बर्थडे पार्टी या कुछ रहता है तो हम लोग स्कूल में इनवाइट करते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता रहे। और आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि सर का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि यह गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि खुद के पैसे से लगा रहे हैं, उनको ना ही किसी सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था मिलती है ना ही कुछ। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अपील है कि डिस्क्रिप्शन में जाके सर के मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, इनसे संपर्क करें और जितना हो सके आप सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपसे यहाँ मुलाकात हुई, और हमारा जो स्कूल है वो स्कूल की जो कुछ जानकारी वो हमारे समाज में बढ़ेगी, कि हमारा आदिवासी समाज भी हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ही करेंगे, हम ही हमारे समाज के लिए करेंगे तो एक हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि शिक्षा क्षेत्र से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। We'll be right back.